अरे पंडित जी तो भाग गए, अब शादी कैसे होगी? अब ऐसे कैसे? नहीं मतलब शादी होगी, अब पंडित जी नहीं है तो क्या हुआ? अब आजकल फोन है ना, अब इंटरनेट भी है, हम इस पे चला देंगे मन, हम शादी कर सकते हैं। चलो चलो चलो। फाइनली शादी हो गई बिना किसी रुकावट के। हाँ बहुत खुश हूँ मैं। अंकल आंटी के कार के सामने मैंने धक्का दिया था, ये सारा प्लान दुलारी जी मेनका भाभी का था। उनका प्लान था कि एक्सीडेंट करवा के आपकी और मेरी शादी करवा देते हैं और उसी के साथ राम की और कोयल की भी शादी करवा देते हैं, यही उनका प्लान था। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे, क्यों किया तूने ये मेनका? बोल क्यों किया? मेनका अभी तो सारा सच सामने आ ही गया ना, तो सब कुछ बता दो ना सच सच। वैसे भी हमारी शादी तो हो ही गई। हाँ वैसे शादी तो हो ही गई, मतलब कुछ ही दिनों में जायदाद मेरी हो जाएगी। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे। वो बात कुछ ऐसी है ना कि पदम जी के दादाजी के विल के हिसाब से कोयल के नाम पे जायदाद तब तक रहेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और कोयल की शादी होते ही सारी जायदाद पदम जी के हो जाएगी, यानी कि मेरी। कोयल तो राम भैया के अलावा किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी, और वैसे भी उन दोनों की शादी तो पहले ही तय थी,